नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्सस स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। कुंभकर्ण महान ऋषि विश्वा और माता केकसी का पुत्र और लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। वो बचपन से ही विशाल शरीर का था, जो दिन प्रतिदिन सामान्य मनुष्य के शरीर से बहुत बड़ा होता जा रहा था। इसी कारण उसे इतनी भूख लगती थी कि वह प्रतिदिन अकेले ही सैकड़ों लोगों का खाना खा जाता था। उसके कारण पृथ्वी पर अन्न भंडार की भी कमी होने लगी थी, जिस कारण उसे 6 महीने तक सोने का वरदान या यूं कहें श्राप मिला था। कैसे मिला था यह श्राप, आइए जानते हैं। कुंभकर्ण के इतने विशाल शरीर और पराक्रम के कारण आकाश में देवता भी उससे ईर्ष्या करने लगे थे, लेकिन रावण के भय के कारण उसका कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन कुंभकर्ण ने अपने दोनों भाई रावण और विभीषण के साथ मिलकर भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। तीनों भाइयों की तपस्या से प्रश्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए। कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से प्रश्न होकर उनसे इंद्र का राज सिंहासन मांगने वाला था। इसके बाद देवताओं पर कुंभकर्ण का अधिकार हो जाता, जिससे इंद्र बहुत डर गए, किंतु वे भगवान ब्रह्मा को वरदान देने से मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि किसी को भी उसकी तपस्या का फल देना उनका कर्तव्य था। इसलिए वे माता सरस्वती के पास सहायता मांगने के लिए गए। जब देव इंद्र माता सरस्वती के पास गए और उन्हें सारी बात बताई, तो माता सरस्वती ने एक योजना बनाई। उन्होंने देव इंद्र को कहा कि जब कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा होगा, तब माता सरस्वती उनकी जीवा पर बैठ जाएगी, जिस कारण वो इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लेगा। जब भगवान ब्रह्मा ने कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा, तभी देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जिव्या पर आकर बैठ गई, जिसके कारण कुंभकर्ण के मुँह से इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकला। भगवान ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप वो जीवन भर के लिए केवल सोता ही रहेगा। ये देखकर कुंभकर्ण और उसके दोनों भाई बहुत डर गए। जब रावण ने अपने भाई की स्थिति देखी, तो उसने भगवान ब्रह्मा से याचना की, जिस मनुष्य को आपने बनाया है, उसे आप इस तरह जीवन भर के लिए नींद में सुलाकर उसका जीवन मृत्यु से पहले ही समाप्त कर देंगे। रावण का अपने भाई के प्रति प्रेम और कुंभकर्ण का दुख देख के भगवान ब्रह्मा को उन पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि चूंकि ब्रह्मा वाकई झुठलाया नहीं जा सकता, फिर भी वे कुंभकर्ण को 6 महीने में एक दिन निंद्रा से जागने की अनुमति देते हैं। अर्थात कुंभकर्ण 6 माह तक गहरी नींद में से सोएगा और केवल एक दिन के लिए जागेगा, और उसके पश्चात फिर 6 महीने के लिए सो जाएगा। इस घटना के बाद कुंभकर्ण 6 महीने तक लगातार सोता था और केवल एक दिन के लिए जागता था, और उसी दिन सारे कार्य भोजन इत्यादि करता था। इस प्रकार इंद्र की चाल और माता सरस्वती के कारण कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता रहता था।